अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता। ओके, तो देखो बच्चों, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और यही रीजन है कि ये जो एलिमेंट्स हैं नेचुरली फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बट इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्कली मेटल्स मींस फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स इनसे कम है। समझे ना कि इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो एल्कली मेटल्स से क्या है बच्चों, कम होती है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे चले मींस हम बेरिलियम से लेके और रेडियम तक चले तो इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है कि ये सब एलिमेंट जो है मेटैलिक नेचर के होते हैं, और मेटैलिक नेचर जैसे जैसे बढ़ता है एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही हमने यहां डिस्कस किया है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड हेंस डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। समझ गए ना कि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और यही रीजन है कि ये नेचर में या नेचुरली फ्री स्टेट में नहीं मिलते, या तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, हैलाइड्स के फॉर्म में है, इस तरह से मिलते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल्स मींस फर्स्ट ए ग्रुप, समझ लेना, बट इनकी जो रिएक्टिविटी है केमिकल रिएक्टिविटी वो एल्कली मेटल्स जो है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स उनसे कम है। एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक साइज ऑफ मैटर मींस एलिमेंट, और ग्रुप में ऊपर से नीचे ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें मेटैलिक नेचर बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये सारे रीजन मिलके इनकी रिएक्टिविटी को बेरिलियम से लेके और बेरियम तक या और आगे चले तो रेडियम तक लगातार ये क्या होते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो समझे बच्चों कि क्षारीय धातुएं क्रियाशील तत्व है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, प्रकृति में नेचर में ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये क्षारीय धातुएं ठीक है सिर्फ कम क्रियाशील है, और इनकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है केमिकल रिएक्टिविटी वो किससे कम है, क्षारीय धातुओं से मींस फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, और इनकी क्रियाशीलता धातु का परमाणु आकार बढ़ने से लगातार बढ़ती जाती है। मींस ये ऑर्डर होगा इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का, बेरिलियम से ज्यादा कहीं ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कहीं ज्यादा रिएक्टिव ये एलिमेंट्स। समझ गए ना, लीस्ट रिएक्टिविटी बेरिलियम शो करता है, थोड़ा कम रिएक्टिविटी मैग्नीशियम में होता है, लेकिन इनमें ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। और रीजन क्या है, मेटैलिक नेचर का बढ़ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट, काइनेटिकली इनर्ट का मतलब है केमिकली इनर्ट। आप देखोगे बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर से, या हम कहें कि जो एटमोस्फेरिक फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी अदर रिएक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उनसे रिएक्शन नहीं करता। रीजन ये है कि इनमें एक पैसिविटी का नेचर मिलता है, इनकी सरफेस पर ऑक्साइड की एक थिन लेयर बन जाती है जो स्टेबल होती है और केमिकली इनर्ट होती है। ऐसे में अदर जो फैक्टर्स हैं फिर सरफेस पर रिएक्शन नहीं करते, और यही रीजन है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो काइनेटिकली क्या है, स्टेबल है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है व्हिच प्रिवेंट्स मेटल सरफेस टूवर्ड्स एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, एक्सेट्रा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैसिविटी, जो कि एल्युमिनियम में भी मिलती है, आयरन में भी मिलती है। एल्युमिनियम भी इसी तरह से केमिकल जो रिएक्टिविटी शो कम करता है, कम रिएक्टिविटी शो करता है, वो भी उसी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है। समझ गए ना बच्चों कि बेरिलियम और मैग्नीशियम बलगतिक रूप से मीन्स रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील है या निष्क्रिय है, क्योंकि इनकी
सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत बनती है जिसे बोलते हैं रक्षी परत, बन जाती है जो धातु सतह को आगे वातावरणीय कारकों से क्रिया होने से रोकती है। ये जो ऑक्साइड्स बन जाते हैं इनके सरफेस में, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या हम ये कहें कि केमिकल इनर्ट होते हैं। तो ये फिर अदर कोई जो सब्सटेंसेस हैं जैसे वाटर है, मॉइस्चर है या कोई भी अदर केमिकल रिएक्टिव सब्सटेंस सरफेस में आते हैं तो फिर मैटर की रिएक्शन नहीं होने देते। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है निष्क्रियता, पैसिविटी। तो यहां तक बात समझ के पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, वायु के प्रति क्रियाशीलता। तो देखो, जो एयर में अगर इन एलिमेंट्स को रखा जाए तो इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम एक नॉर्मल टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं करते, समझ गए ना, केमिकली क्या है ये, इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स एयर। अभी मैंने आपको बताया रीजन है, इनकी सरफेस में एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का बन जाता है। बट ये जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एयर से इजिली रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं। अब आता है कि अगर हम इन्हें पाउडर फॉर्म में लें, बेरिलियम मैग्नीशियम को पाउडर फॉर्म में लें और एयर में जलाया जाए तो ये ब्रिलियंटली या ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जलते हैं, चमकदार, जो बहुत हाई एनर्जी वाली होती है और क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स। इसके अलावा अदर मेटल्स भी इसी तरह से बर्न होते हैं और उनके भी क्या बनते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स, लेकिन इनमें उतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती। यही रीजन है कि मैग्नीशियम का यूज जो है हीट प्रोडक्शन में किया जाता है। जब हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जाते हैं तो वहां पर जो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है तो वहां पर मैग्नीशियम का यूज किया जाता है एक फ्यूल के फॉर्म में वहां, क्योंकि वो जलकर बहुत ज्यादा हीट निकालता है। तो समझ गए बच्चों कि ठोस बेरिलियम मैग्नीशियम नॉर्मल सामान्य ताप पर वायु से कोई क्रिया नहीं करते। अगर हम ठोस नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, बस इतना भी लिख सकते हैं कि बेरिलियम मैग्नीशियम सामान्य ताप पर कोई रिएक्शन नहीं करते एयर से, जबकि इनको रख दिया जाए तो टर्निश हो जाते हैं, मतलब इनकी सरफेस तुरंत क्या हो जाती है, रिएक्शन कर जाती है। लेकिन अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को चून में पाउडर फॉर्म में लें और इनको जलाया जाए तो इनसे क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड, और एक चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं, तेज चमकदार ज्वाला, जैसे स्पार्किंग होती है ना जब कहीं वायर की बिजली स्पार्किंग, तो जिस चमक आती है ऐसी चमक के साथ जलते हैं। शेष तत्व में वायु में जलकर भी ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं, बट इतनी ज्यादा हीट ऐसी नहीं निकलती। जैसे तो मैग्नीशियम हो या बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा जो कि एयर में है, और ऑक्साइड्स या मैग्नीशियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड्स बनते हैं, जस्ट ऐसा ही कि इन दोनों की नाइट्रोजन, चूंकि ये भी एयर में होता है तो एयर से बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड दोनों बनते हैं, और ये ब्रिलियंट फ्लेम मतलब हाई एनर्जी हीट के साथ जलते हैं, इनका वर्ण होता है। अदर एलिमेंट्स भी इसी तरह की रिएक्शन करते हैं लेकिन इतनी ब्रिलियंटली रिएक्शन नहीं होती। इनमें भी ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्राइड्स बनते हैं, यहाँ पर M इज इक्वल टू क्या हो गया, Ca से लेके Re तक। तो सभी एलिमेंट्स ये बता दूं इस ग्रुप में ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, इसके अलावा नाइट्राइड भी बनाते हैं। और हाई टेम्परेचर रखा जाए, ऑक्सीजन एक्सेस में ले ली जाए तो फिर इनके परऑक्साइड भी बनते हैं, अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे, और वो परऑक्साइड स्ट्रोंशियम से लेकर रेडियम तक ही बनते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड तो सारे एलिमेंट्स बनाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्साइड और नाइट्राइड फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, तो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक सेम टेम्परेचर में रखा जाए तो फास्टिंग रिएक्शन इस तरह से चलेगी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर विद द मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और रेट नाइट्राइड फॉर्मेशन रेट, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये एयर के साथ रिएक्शन भी से आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, जल के प्रति क्रियाशीलता। तो यहां बता दूं कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम डज नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर इवन एट हाई टेंपरेचर। वाटर के साथ हाई टेंपरेचर तक रखा जाए
तो भी बेरिलियम वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ गए बच्चों, उच्च ताप तक जल से कोई क्रिया नहीं करता। कौन? बेरिलियम। मैग्नीशियम अटैक्टेड बाय बॉइलिंग वाटर, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही वाटर से क्या करता है? रिएक्शन, उबलते जल से क्रिया करता है। और अगर हम इन तीनों की बात करें, CaSRBA, तो ये कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर, दोनों से रिएक्शन करते हैं। समझ गए बच्चों, ठंडे जल से भी ये क्रिया कर लेते हैं। अब आता है कि इनकी रिएक्शन क्या होगी। तो अभी आपको बताया मैंने कि बेरिलियम को वाटर के साथ हीट किया जाए 100 डिग्री या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती, बहुत हाई टेम्परेचर पर हो सकती है। मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जरूरत होगी, जब जाके बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। हम जानते हैं कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोक्साइड और क्या बनते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे ही इनमें देखें तो ये एट नॉर्मल टेम्परेचर कोल्ड वाटर, अगर हम यहाँ कोल्ड ठंडा पानी भी ले लें तो भी ये रिएक्शन कर जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर की में देखें तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये केमिकल इनर्ट दिख रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, जबकि ये हाईली रिएक्टिव दिख रहे हैं। यहां तक ये है वाटर के साथ रिएक्शन। ओके, फिर हम आते हैं अब इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड्स, कार्बोनेट, इस तरह से। तो फर्स्ट हम यहाँ ले लेंगे पहले ऑक्साइड्स। तो देखो बच्चों, ऑक्साइड्स में आप देखोगे इनके टू टाइप्स के ऑक्साइड आपको दिखेंगे। एक तो होगा नॉर्मल ऑक्साइड MO, मैग्नीशियम MO में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +2 ही रहेगा, ऑक्सीजन -2, जिसमें जो M है वो बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, मतलब इस ग्रुप का हर एक मेंबर इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड में MO2 टाइप का बनेगा, जिसमें ये होंगे SR से लेके कहां तक? RA तक, मतलब SRO2, BaO2, RaO2, इस तरह के परऑक्साइड्स बनते हैं। अब आते हैं कि ये क्यों नहीं बनाते, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बड़ा कैटाइन बड़े एनाइन को स्टेबल बनाता है, छोटा कैटाइन छोटे एनाइन को स्टेबल बनाता है। यहां पर जो ये ऑक्साइड है कि BeNgCa, अगर इनकी बात करें तो ये काफी छोटे साइज के कैटाइन है, जबकि परऑक्साइड आयन काफी बड़ा है, तो ये छोटे कैटाइन के साथ परऑक्साइड स्टेबल ऑक्साइड नहीं बना पाता। और यही रीजन है कि केवल परऑक्साइड्स जो दिख रहे हैं आपको वो किसके साथ हैं? SR के साथ, BA के साथ और RA के साथ। ओके, अब आता है कि बनते कैसे हैं। तो जो मेटल है उसको एयर में बर्न किया जाए तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। परऑक्साइड बनाने में तो ऑक्सीजन को एक्सेस में लें, हाई टेम्परेचर रखें, तब जाके क्या बन जाते हैं? परऑक्साइड। समझ गए बच्चों, बेरिलियम की रिएक्शन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर में होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके ये ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज होता है, बाकी की रिएक्शन तो फास्ट होती है ऑक्सीजन के साथ। अब आते हैं कि यहां पर जो ये ऑक्साइड्स आपने देखे, तो नॉर्मल ऑक्साइड जो है, ठीक है, दे आर मतलब है नॉर्मल ऑक्साइड, हम यहां ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं Also formed by decomposition of carbonates. Matter carbonate को heated किया जाए, इनको decomposed किया जाए thermally, तो ये change हो जाते हैं oxide और CO2 gas, CO2 बाहर जाती है और इस तरह से ये oxide का formation होता है। अब आता है कि इनका decomposition rate क्या हो, तो जैसे जैसे cation का size बढ़ेगा ionic nature बढ़ता है और इनका decomposition rate बढ़ता जाएगा, मतलब beryllium से लेके और बेरियम कार्बोनेट तक चले तो इनको डिकम्पोज करने के लिए लगा हुआ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बेरियम कार्बोनेट में काफी कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बाकी आगे देखें तो ये बहुत हाई टेम्परेचर में जो है डिकम्पोज होते हैं। तो ये तो है ऑक्साइड्स का जनरल मॉडल। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहला है कि ऑल ऑक्साइड्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो है ये सभी ऑक्साइड जो है व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है कि हाईली थर्मल स्टेबल ड्यू टू वेरी हाई लैटिस एनर्जी, बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब इनको कितना भी हीट किया जाए ये डिकम्पोज नहीं होते।
समझ गए ना। ये जो है जैसे होता है ना कि इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, तो उसमें एक डेफिनेशन आती है कि इनके जो ऑक्साइड है वो जो है अर्थ के समान इनफ्यूजिबल है। ऐसे ही ये ऑक्साइड, इसीलिए इनको बोला गया एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड कितना भी हीट किया जाए वो फ्यूज्ड नहीं होते, इनफ्यूजिबल है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर तक ये क्या है, इनफ्यूजिबल है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन आपसे पूछा जाए कि इतने ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो इनकी है वेरी हाई दैट इज एनर्जी। और यही रीजन है कि इनका यूज है एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसा होता है, मेनली बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अत्यधिक उष्ण रूप से स्थायी है बच्चों, अत्यधिक उच्च ताप पर भी विघटित नहीं होते, इसलिए इनका उपयोग ताप सह पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट होते हैं कि इनमें से किस ऑक्साइड का यूज जो है किसके लिए, रिफ्रैक्टरी के लिए यूज होता है, तो बेरिलियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो और कैल्शियम ऑक्साइड हो, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर तक डिकम्पोज्ड नहीं होते। इनका यूज होता है उच्च ताप सह, इनको क्या बोलते हैं, उच्च ताप सह पदार्थ, रिफ्रैक्टरीज। नेक्स्ट आता है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब समझ रहे बच्चों, उभयधर्मी, मींस अम्ल क्षार के साथ क्या बनाता है, लवण बनाता है, दोनों से रिएक्शन करता है। जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड की Na2O से रिएक्शन करा दे, Na2BeO2 बन जाएगा, तो ये क्या है, एक सॉल्ट बन गया। तो ये बेसिक ऑक्साइड है, तो यहां पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है। जस्ट ऐसा ही बेसिक ऑक्साइड के फॉर्म में ये अगर हम CO2 से रिएक्शन करा तो ये एसिड ऑक्साइड है, तो यहां पर ये बेसिक ऑक्साइड बन गया, BeCO3 बन गया। तो ये ऐसे ही आप कोई एसिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, एनी वैक्स से रिएक्शन करा सकते हैं यहां पर HCl से, तो भी ये सॉल्ट बना। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ध्यान रखना है कि बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। नेक्स्ट है जो MgO है, ये वीक बेसिक नेचर का होता है, और बाकी जो अदर जो ऑक्साइड्स हैं बहुत ही स्ट्रांग बेस है, CaO, SrO, BaO, और इनकी बेसिसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है बेसिसिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, सॉलिडिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड तक चलेंगे तो लगातार बढ़ते जाते हैं इस तरह से। BeO और MgO अगर हम वाटर की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते इजी गोइंग। अदर जो है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। जब आप चूना को पानी में घोलते हैं ठीक है, तो आप देखते हैं कि पानी उबलने लगता है, वो रीजन है हीट, बहुत ही अधिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, अगर इनको हीटेड किया जाए तो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए इनका यूज जो है ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन सोर्स के फॉर्म में किया जाता है। अब बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज में दिखती है, SrO2, BaO2, RaO2, तो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, स्टेबिलिटी हो, या बेसिसिटी की बात की गई हो, ये सब क्या होते हैं बच्चों, बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको इन दोनों में कंपेयर करना है तो ध्यान रखें कि MO और MO2, इसमें ये बेसिसिटी का ऑर्डर ध्यान रखें, स्टेबिलिटी का ध्यान रखें ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में है। नॉर्मल ऑक्साइड जैसे हम ये कहें कि BaO ज्यादा स्टेबल है BaO2, इसलिए तो इसको हीट करते हैं, इसमें चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स के बारे में है, समझ गए यहां तक, तो नोट कर लो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका फॉर्मूला है MOH4। ये तो आप समझ गए होंगे बैलेंस के बेस पर बनता कैसे है, तो ऑक्साइड पर जब वाटर की रिएक्शन होती है तो बनते हैं हाइड्रोक्साइड और इसमें हीट रिलीज होती है। इसमें जो तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो MgOH2 है ये वीक बेस होता है, और ये तीनों जो हाइड्रोक्साइड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड NaOH में भी डिसॉल्व होता है, समझ गए बच्चों, इसका मतलब है कि इसमें भी रिएक्शन करता है और इसमें भी डिसॉल्व होता है। तो जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH2 को NaOH में रखा जाए तो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है Na2BeOH2।
होल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां बेरिलियम का 4 हो जाता है। या इसी को इस फॉर्म में भी लिखा होगा Na2 BeO2 plus 2 H2। ओके, और इसको बोलते हैं सोडियम बेरिलेट। अब हमें HCl के एक्वस मीडियम में रखें तो उसमें भी ये डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पर ये बेस हो गया और ये क्या है यहां पर एसिड, पहले सॉल्ट बना BeCl जो आगे वाटर में डिसॉल्व होकर और इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रा एक्वा बेरिलेट या बेरिलियम क्लोराइड। तो यहां पर एक्विस स्टेट में है, तो इस तरह से दोनों में डिसॉल्व है। ये एक एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। बाकी जो ये है ऑक्साइड्स, ये केवल और केवल इससे रिएक्शन करते हैं एसिड ऑक्साइड्स हों या एसिड कंपाउंड हों उनसे रिएक्शन करते हैं। अब आता है इनकी सॉलिबिलिटी के बारे में। आप देखोगे कि हमने एस ब्लॉक जो फर्स्ट था एल्कली मेटल्स, उसमें जितने भी कंपाउंड्स आपने देखे वो सब वाटर सॉल्युबल थे और ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। रीजन क्या है बच्चों, पहले मैं यहां बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है तो वहां पर ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, तब मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी ठीक है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी एक्सीड्स देन लैटिस एनर्जी। तो ये सॉल्युबिलिटी का रीजन है। जब कैटाइन और एनाइन की साइज हमें पता हो तो आप इस बेस पर हाइड्रेशन एनर्जी का कैटाइन और एनाइन की साइज से ये रिलेशन है और लैटिस एनर्जी का रिलेशन ये है। मतलब यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कैटाइन और एनाइन की साइज पर इस तरह से डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी की इस तरह से डिपेंड करती है। अब मान लो आप सेम यहां पर 10 पिकोमीटर की मान लो साइज की वैल्यू रखें तो आप देखोगे हाइड्रेशन एनर्जी 0.2 आ जाएगी। और अगर आप यहां पर रखेंगे यही साइज 10 वाली तो यहां 0.055 मींस लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ये इस तरह से रिलेशन रखते हैं जबकि साइज बराबर हो। तो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम रहती है जब कंपेरेबल क्या होती है साइज, मतलब कैटाइन और एनाइन की साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो आप देखोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। इस तरह से अगर हम एक ही कंपाउंड मींस आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करें, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगे, चाहे कैटाइन की साइज इंक्रीज हो और चाहे एनाइन की। तो हम यहां एनाइन की साइज को फिक्स रख दें तो आप देखोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती जाती है। मतलब है कि जब कैटाइन और एनाइन में ज्यादा साइज में डिफरेंस ना हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगी, कैटाइन या एनाइन किसी की भी साइज बढ़े। बट ये देखा गया, अब देखा गया कि आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है। ऐसे में हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी और कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा। अब हम आते हैं कि अल्कली मेटल्स में ऐसा क्यों होता है कि सबकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो रीजन यही है कि वहां कैटाइन काफी बड़े साइज के हैं, एनाइन तो बड़े होते हैं, उनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए चाहे उनके हाइड्रोक्साइड्स ले लें, हैलाइड्स ले लें, कार्बोनेट्स ले लें, सल्फेट्स ले लें, ठीक है, क्रोमेट्स ले लें, नाइट्रेट ले लें, उनकी सबकी सॉल्युबिलिटी नीचे तरफ बढ़ती गई है, वहां पर ये बात ध्यान रखना। अब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जब डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होती जाती है क्योंकि हाइड्रोक्साइड बहुत लार्ज साइज का एनायन नहीं है, इनके कंपैरेबल कैटायन छोटे जरूर है बट हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता। और यही रीजन है कि डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन द हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। समझ गए बच्चों कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ज्वालक ऊर्जा के मान में जो कमी आ रही है वो जल योजन ऊर्जा में कमी के सापेक्ष अधिक है, मतलब अधिक कमी आ रही है और यही कारण है कि प्लेटर। तो हाइड्रोक्साइड में तो आपको सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर रखना है एल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल वैसा ही जैसा एल्कली मेटल्स में।
बट जब हम आगे आएंगे तो हैलाइड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हैलाइड्स में मेनली क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसके अलावा कार्बोनेट्स, सल्फेट, क्रोमेट, नाइट्रेट, इनकी जो सॉलिडिटी है आप देखोगे वो डिक्रीज होगी। उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझाऊंगा। यहां बात समझ गए ना, तो हाइड्रोक्साइड में सॉलिबिलिटी का ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। और वैसे भी आप देखेंगे एम्फोटेरिक है, वीक बेस है तो कम आयनाइज्ड होगा, और ये कंप्लीट आयनाइज्ड होंगे, वैसे भी स्ट्रांग बेस है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए बेसिसिटी का ऑर्डर बताएं, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताएं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब इंक्रीज होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक नेचर, और आयनिक नेचर बढ़ेगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, समझ गए ना। और यही रीजन है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक चलें तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, बेसिसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। एक क्वेश्चन आता रहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज एंटासिड बनाने में, एसिडिटी जब स्टमक में आ जाती है तो उसका एक ड्रग या मेडिसिन बनता है एंटासिड, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका एक सस्पेंशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसको मिला के दिया जाता है तो वो बढ़ी हुई एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है और एकदम बॉडी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए वो केवल एसिड को न्यूट्रल करता है, लेकिन ज्यादा यूज करना भी ये हानिकारक है। तो यहां तक आप हाइड्रोक्साइड के बारे में समझ गए होंगे, इसको अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड और ये है हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो है MH2, सिंगल यूनिट के फॉर्म में हो तो MH2, ओके। इसमें केवल बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम और एलिमेंट्स गिव MH2 हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से डायरेक्ट एक्शन से MH2 हाइड्राइड बनाते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड डायरेक्ट नहीं बनता, मींस बेरिलियम की डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होती, तो यहां पर M+H2 तो ये रिएक्शन होती है Mg से Ra तक, ये हो सकते हैं M। बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनकी रिएक्शन होती है इस तरह से, क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ, लिथियम के साथ बाहर हो गया, ये बन गया बेरिलियम हाइड्राइड। बाकी जो हाइड्राइड है वो डायरेक्ट इस एक्शन से बनते हैं, रिएक्टिविटी हाई होने के कारण ऐसा होता है, इसकी लो रिएक्टिविटी है, डायरेक्ट हाइड्रोजन से कोई एक्शन नहीं करता। अब यहां ध्यान देना, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट, सहसंयोजी, समझ गए ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैटाइन छोटी साइज का है और एनाइन को ज्यादा पोलराइज करेगा तो ये कोवेलेंट बन सकते हैं, जबकि ये जो तीन हाइड्राइड्स आप देख रहे हैं और ISR RaH2 तक चले जाएं तो ये सब क्या है, आयनिक हाइड्राइड है, क्योंकि साइज बड़े होने के कारण हम जानते हैं कंपाउंड में क्या आ जाता है, आयनिक नेचर। और ध्यान रखना है कि यहां पर मेटल +2 और हाइड्रोजन -1 स्टेट में है, चाहे यहां की बात करें तो। अब आता है कि बेरिलियम हाइड्राइड और M की है मैग्नीशियम हाइड्राइड, इनकी वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होती है, बट ये जो हाइड्राइड्स है आप देख रहे हैं ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं, वायलेंटली रिएक्शन का मतलब है एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन, कि CH2+H2 से रिएक्शन हुई तो ये इस तरह से -+ जुड़ गए, H2 बन गई और क्या बन गया, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्राइड ले लें चाहे बेरियम हाइड्राइड ले लें, रिएक्शन यही होगी। इसमें किसका प्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस को, CaH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोलिथ है तो कहलाता है CaH2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका लार्ज स्केल में यूज होता है किसके लिए, H2 के प्रोडक्शन के लिए, लैब में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो हाइड्रोलिथ यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है, स्टेबल है, और इसको जब डिकम्पोज करते हैं या वाटर में जब हम इसको मिलाते हैं तब बन जाता है क्या, हाइड्रोजन H2। समझ गए बच्चों कि इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2 को, इसका उपयोग H2 के उत्पादन में किया जाता है, ये ज्यादा कैल्शियम ज्यादा मिलता है अर्थ में और इसलिए इसका हाइड्राइड भी ज्यादा बनता है, तो ऐसे में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अल्कली मेटल्स में देखा था,
कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है नेगेटिव चार्ज का है और मेटल कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज का है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा मेटल तो मिलेगा कैथोड में, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होता है? एनोड में। और कोई भी मेटल हाइड्राइड ले ले, इलेक्ट्रोलिसिस की गई है तो हाइड्रोजन हमेशा एनोड में आता है। तो यहां तक बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो आता है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। समझ गए बच्चों कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और बेरिलियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर पहले स्टेबिलिटी बता दूं, ठीक है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं तो ध्यान रखें कि हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल वैसा ही याद रखना है जैसे एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड है। छोटे मेटल के साथ छोटा एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, बड़े कैटायन के साथ छोटा एनायन स्टेबल कम होगा। यहाँ एनायन जो एच माइनस है काफी छोटा एनायन है, बेरिलियम छोटा कैटायन है, इसके छोटे कैटायन और छोटे एनायन से बना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो बेरिलियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, MgH2, CaH2, SrH2 और BaH2। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। समझ गए बच्चों? तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक नेचर का ऑर्डर बताएं तो आपको ऐसे ध्यान रखना है BpH2, MgH2, CaH2, SrH2 और BaH2। तो ये इनकी किसका नेचर है, आयनिक नेचर। दूसरा, रिएक्शन विद वाटर। तीसरा, रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका भी ये ऑर्डर। बट स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ये ध्यान रखना है। समझ गए बच्चों, स्थायित्व। और ये ऑब्जेक्ट काफी बार बार पूछा जाता है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आ गए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो बच्चों, जो ये हाइड्राइड्स हैं, समझ गए ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। मतलब जो MH2 हाइड्राइड है ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी बैलेंसिंग सेल में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ये जुड़ा है H सपोज और ये क्या है H, तो इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, 4। तो बेरिलियम हाइड्राइड अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक पॉलीमेरिक फॉर्म में आता है। तो जो BeH2 है बच्चों होल एन, ये किस फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म। और पॉलीमेरिक फॉर्म में आपने देखा होगा कि जो हम डाइबोरेट का स्ट्रक्चर भी समझेंगे, यहां पर जो बेरिलियम है वो देखो किस तरह से बॉन्डिंग करता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहां समझ लो, जस्ट ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लो, ऐसे ही चलते जाए। ओके, यहां हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर है, तो यहां पर बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का। जस्ट ऐसा ही यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी यूं चलेगा हाइड्रोजन। ओके, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन और आके उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, यही चलता रहेगा आगे तक। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है, अगर हम ये देखें तो ये एक बनाना से ऐसा हो गया, समझ गए बच्चों, ऐसे चलते जाएंगे हम यूं, पर यही चलता रहेगा। आपने देखा आगे कि ऐसा ही यहाँ पर चलता रहेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक बेरिलियम है। तो देखो इसके क्या क्या नियम है, तो यहाँ हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे में ये जो अब एटम बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 4 ये हो गया, 4 यहाँ से मिल गया, इस तरह से इस बॉन्ड को बोलते हैं बनाना, ठीक है, बनाना बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक एटम दूसरा और ये 3 न्यूक्लियस जुड़े हैं, तो बनाना बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा बेरिलियम हाइड्राइड,
तो ये परपेंडिकुलर होते हैं हाइड्रोजन। ध्यान रखें कि जो मॉलिकुलर प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर रहते हैं ये हाइड्रोजन, ऐसे ही चलता रहता है। ये तो यहां पर ये जो है मतलब ये जो हाइड्रोजन है, समझ गए बच्चों, हाइड्रोजन लाई एट परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर ये ऐसे इस तरह से समझ लें कि ये जो हाइड्रोजन है ऐसे है तो बेरिलियम जो है इस तरह से, और यही स्ट्रक्चर बनता है तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, ब्रिज हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं कौन सा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और यहां पर जो स्टेट है वो क्या है, sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है। बाकी जो हाइड्राइड्स है मतलब ये जो MgH2 CaH2 SrH2 ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, समझ गए बच्चों, ये क्या होते हैं, आयोनिक हैं काफी और मोनोमेरिक फॉर्म में, किस फॉर्म में है, मोनोमेरिक अपने आप में सिंगल यूनिट की फॉर्म में। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये मोनोमेरिक फॉर्म में इस तरह से, जबकि BeH2 कोवेलेंट है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। यहां तक बात समझ गए होगे, इसे नोट कर।